Good morning, friends. We are going to learn an astrologer's day. This is the first chapter of prose written by famous writer R.K. Narayan. R.K. Narayan ne likha hua ye sabse bahut hi behtareen qism ka ek book hai jisme an astrologer's day ek ki story aur dusri story isme likhi gayi hai. Rasipram Krishna Swami Iyer Narayan Swami was one of the best known novelist among Indian English writers. ये इंडिया के सबसे बेहतरीन इंग्लिश राइटर्स में से एक है. उन्होंने बहुत सारे ही इज़ द ऑथर ऑफ 14 नावल्स. उन्होंने 14 नावल्स लिखे, 5 वॉल्यूम्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, 4 वॉल्यूम लिखे शॉर्ट स्टोरीज के, एंड अ नंबर ऑफ ट्रैवलॉज और बहुत सारे सफ़रनामे लिखे, ट्रैवलॉज और सफ़रनामे, एंड हैज़ अ कलेक्शन ऑफ नॉन फिक्शन टू हिज क्रेडिट. और उन्होंने बहुत सारे नॉन फिक्शन स्टोरीज भी लिखी है. ही ऑल्सो रोट हिज मेमोयर माई डेज 1975. और उन्होंने अपनी मेमोराई भी लिखी है, माई डेज 1975. नारायण क्रिएटेड द इमेजिनरी टाउन ऑफ मालगुड़ी. नारायण ने अपने दिमागी तखयल से, अपने ख्याल से एक टाउन की निर्मिति की थी जिसे मालगुड़ी कहते हैं. वेयर रियलिस्टिक कैरेक्टर्स इन अ टिपिकल इंडियन सेटिंग लिव्ड अमिड अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स. जहाँ पर इंडियन कैरेक्टर्स को, जो रियलिटी के इंडियन कैरेक्टर्स हैं उन्हें वहाँ पर दिखाया गया है. हिज स्टोरीज आर ग्राउंडेड इन कंपैशनेट ह्यूमैनिज्म एंड सेलिब्रेटेड द ह्यूमर एंड एनर्जी ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ. और उनकी स्टोरी में बहुत सारे इंसानियत, ह्यूमैनिज्म, इंसानियत नवाज चीज़ें, और उसमें सेलिब्रेटेड द ह्यूमर एंड एनर्जी ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ. और उसमें उन्होंने ह्यूमर पेश किया है, तंज व मज़ा पेश किया है आम जिंदगी का. हिज स्टोरीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ सिंपल स्टाइल एंड सबटल ह्यूमर. और उनके जो स्टोरीज़ है उसमें बहुत ही सादा तरीके से बयान की गई है, और उसके अलावा बहुत ही मज़ाह पेश करने की कोशिश की गई है. नारायण वॉज इंट्रोड्यूस टू अमेरिकन रीडर्स इन 1952 बाय द मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी प्रेस. नारायण का अमेरिकन रीडर्स से जो ताल्लुक़ हुआ वो 1952 में मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी प्रेस के ज़रिए हुआ. वहाँ पर उन्होंने जो चीज़ें लिखी थी, जो पेश की गई, दीज इंक्लूड स्वामी एंड फ्रेंड्स, जिसमें स्वामी एंड फ्रेंड्स पेश किया गया, एक बुक है द बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937, द डार्क रूम 1938, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज 1947, मिस्टर संपत 1949, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट 1954, वेटिंग फॉर द महात्मा 1955, एंड द गाइड 1958, एंड मेनी अदर बुक्स. हिज नावल द गाइड वन हिम द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1961. उन्होंने जो एक नावल लिखा था द गाइड, उसे साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था 1961 में. और उसके ऊपर बहुत सारे, उसके ऊपर एक भारत में हिंदी फिल्म भी बन चुकी है. द मोस्ट कवेटेड लिटरेरी ऑनर इन इंडिया. हिज राइटिंग इज डिस्टिंग्विश्ड बाई ह्यूमर एंड अनअफेंडिंग आयरनी, अ यूनिक इंडियननेस एंड अ सिंप्लिसिटी विच इज़ अटरली चार्मिंग एंड अथेंटिक. उनकी राइटिंग की जो खासियत है, खसूसियत है, उसमें बहुत ज़्यादा तंज व मज़ा होता है, हंसी मजाक होता है, और कुछ तंज आयरनी यानी तंज भी पेश किया जाता है, और भारतीयता दिखती है, यूनिक इंडियननेस एंड सिंप्लिसिटी और सादगी है, एंड अटरली चार्मिंग एंड ऑथेंटिक. और ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सही है, रियल है. नारायण टिपिकली पोर्ट्रेज द पेक्युलियरिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड द आयरनीज ऑफ इंडियन डेली लाइफ. और अक्सर नारायण अपने ह्यूमन रिलेशनशिप यानी इंसानी रिश्तों को और भारतीय ज़िंदगी के ऊपर तंज करने को कभी नहीं चूकते. हिज स्टाइल इज़ ग्रेसफुल मार्क्ड बाय जेनाइल ह्यूमर, एलिजेंस एंड सिंप्लिसिटी. उनका जो लिखने का तरीक़ेकार है उसमें तंज है, मज़ा है और सादगी है. एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की. एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, पहले यहाँ पर कुछ डिस्टिंक्टिव वर्ड दिए हुए हैं, जैसे कि काउडी, सी एनिमल, ऑब्स्क्योर, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, मिस्टिक, समथिंग डैट इज़ डैट रिलेट्स टू सुपर नेचुरल पावर्स एंड इज़ नॉट ईजीली अंडरस्टूड, पालमेरा, अ काइंड ऑफ पाम, रेस्प्लेंडेंट, ब्राइट, डैजलिंग एंड इम्प्रेसिव, एनहेंस्ड, इंक्रीज्ड. पंक्चुअली एट
midday he opened his bag and spread out his professional equipment, which consisted of a dozen cowrie shells, a square piece of cloth with obscure mystic charts on it. दोपहर का वक्त था जब उसने अपना थैला खोला, अपना जो साथ में थैली लाया था वो खोला, एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट, और उसने अपने कामकाज के जितने हथियार थे, औजार थे, वो सब निकाले. विच कंसिस्टेड ऑफ अ डजन कावरी शेल्स, जिसमें एक दर्जन भर कौड़ियाँ थी, अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ, एक चौकोर यानी स्क्वायर शेप में एक कपड़ा था, विथ ऑब्स्क्योर मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट, जहाँ पर अजीब किस्म के ना समझे जाने वाले कुछ नक्शो निगार चार्ट बने हुए थे, अ नोटबुक, एक नोटबुक थी, कॉपी थी, एंड अ बंडल ऑफ पामेरा राइटिंग्स, और हाथ पर हाथ बने हुए थे, उसके ऊपर कुछ लिखा गया था. अब देखिए, ये पाम के माने होते हैं हथेली, और एक पाम के माने होते हैं ताड़, और एक पाम के होते हैं पाम ऑयल. तो ये ताड़ के झाड़ से तेल भी निकाला जाता है, एक पाम हथेली, और हथेली पे भी आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. और एक है पामिस्ट्री, पामिस्ट्री यानी दस्त शनासी, हाथ देखकर जो लोग भविष्य बताते हैं उसे, उस बारे में कहा गया है. हिज फोरहेड वॉज रेस्प्लेंडेंट विथ सैकर्ड ऐश एंड वर्मेलियन, और उनकी जो पेशानी थी, फोरहेड पेशानी, वॉज रेस्प्लेंडेंट, वो चमक रहा था, विथ सैकर्ड ऐश, जहाँ पर एक मुकद्दस राख मली हुई थी. अक्सर आपने देखा होगा कि जो हिंदू पंडित है, जो अक्सर मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करते हैं, उनके पेशानी पर कुछ राख लगी होती है. एंड वर्मेलियन, और गेरुआ रंग, ये गेरू होता है, वर्मेलियन गेरुआ रंग. एंड हिज आइज स्पार्कल्ड विद अ शार्प एबनॉर्मल ग्लीम, और उनकी आंखें चमक रही थी, और उसमें एक अजीब किस्म की चमक थी, विच वॉज रियली एन आउटकम ऑफ अ कंटिन्यूअल सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स, जो ऐसा दिखाती थी कि वो अपने ग्राहक ढूंढ रहा है. बट विच हिज सिंपल क्लाइंट्स टुक टू बी अ प्रोफेटिक लाइट एंड फेल्ट कम्फर्टेड, और अक्सर ऐसा होता था कि उनके जो क्लाइंट्स हैं, उनके जो कस्टमर्स हैं, वो उस रोशनी में वहाँ पर आते और वो अपने आप को कम्फर्टेबल महसूस करते, आरामदा महसूस करते. द पावर ऑफ हिज आइज वॉज कंसिडरेबली इन्हेंस्ड बाय देयर पोजिशन प्लेस्ड एज दे वेयर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड एंड द डार्क विस्कर्स विच स्ट्रीम डाउन हिज चीक्स, इवन अ हाफ विट्स आइज वुड स्पार्कल इन सच अ सेटिंग. उनकी उस आदमी की आंखें चमकती हुई नजर आती पेशानियों के दरमियान, जो उसकी पेशानी पर लगा हुआ गेरवा और ऐश यानी राख थी, और उसके नीचे आंखें चमकती हुई नज़र आती, और आंखों की चमक से अक्सर ऐसा नज़र आता कि वो बहुत ही उस चमक के ज़रिए वो किसी अपने कस्टमर को ढूंढ रहा है. टू क्राउन द इफेक्ट ही वोंड अ सैफ्रन कलर्ड टर्बन अराउंड हिज हेड, और वो अपने बात में कुछ बड़ापन महसूस करने के लिए, या फिर अपने अपने कस्टमर को ललचाने के लिए, वो अपने सर के ऊपर एक गेरवे रंग का, सैफ्रन जाफरानी रंग का या भगवे रंग का एक पगड़ी पहना करता. दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, इस कलर से उसकी स्कीम कभी फेल नहीं होती. पीपल वेर अट्रैक्टेड टू हिम एज बीज आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मोस और दाहलिया स्टॉक्स, जैसे कि शहद की मक्खियाँ, बीज शहद की मक्खियाँ जो दहलिया की जो स्टॉक्स होती है, टहनियाँ होती है, वहाँ पर जाते हैं. ही सेट अंडर द बॉज ऑफ ए स्प्रेडिंग टैमराइन ट्री विच फ्लैंक्ड अ पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल, वो एक इमली के, टैमराइन ट्री इमली के दरख्त के नीचे बैठा रहता, जहाँ से जो टाउन हॉल का जो करीब में पार्क था, वहाँ के भी लोग नज़र आते, और बहुत आने जाने का भी एक बड़ा रास्ता था. इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज, ये एक बहुत ही अच्छा इलाका था, अच्छा अच्छी जगह थी, जहाँ पर लोग आते जाते, और बहुत सारे रास्ते यहाँ पर आकर मिलते. अ सर्जिंग क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, और एक बड़ा एक झुंड लोगों के आने जाने का उस पतले से रास्ते से अक्सर सुबह से शाम तक जाते आते.
A variety of trades and occupations was represented all along its way. और अलग अलग काम धंधे वाले लोग वहाँ पर उस रास्ते पर बैठा करते. मेडिसिन सेलर्स यानी दवाई बेचने वाले, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंग, जो चुराया हुआ हार्डवेयर है वो बेचते या काठ कबाड़ बेचते. जंक यानी काठ कबाड़. मैजिशियंस यानी जादूगर. एंड अबो ऑल एंड ऑक्शनर ऑफ चीप क्लोथ. और सबसे ऊपर, सबसे बढ़कर एक ऑक्शनर था यानी सस्ते में कपड़ा बेचने वाला. हु क्रिएटेड एनफ डिन ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन. और वो उसने अपने लिए एक जगह बना ली थी, एक कोह बना ली थी, या फिर आप उसे कहेंगे जहाँ पर वो रह सकता था, और पूरा दिन वहाँ पर लोग आते जाते रहते. नेक्स्ट में इन वोसिफ फेरोसनेस केम अ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंड नट. और उसके बाजू में एक ज़ोरदार आवाज़ लगाने वाला जो मूंगफली बेचा करता, ग्राउंड नट बेचा करता जो, या फिर खारी फली बेचा करता जो तली हुई होती, फ्राइड ग्राउंड नट. हु गेव हिज वेयर अ फैंसी नेम ईच डे कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम. वो हर रोज़ एक नया नाम दिया करता उसे. कभी कहता कि आइए बॉम्बे का आइसक्रीम ले लीजिए वन डे, एंड ऑन द नेक्स्ट डे दूसरे दिन क्या कहता, दिल्ली आलमंड यानी दिल्ली के बादाम ले लो. एंड ऑन द थर्ड डे राजाज डिलीशियसी, राजा के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी. एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. और इसी किस्म की वो बातें करता. एंड पीपल फ्लॉक टू हिम, और लोग दौड़ते हुए उसकी तरफ आते. अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड डैलिड बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू. और उसमें से बहुत सारे लोग जो उसके पास आते वो उस नजूमी को भी देखते और कुछ उसके पास भी आ जाते. अभी जो भविष्य करने वाला नजूमी है, द एस्ट्रोलॉजर ट्रांसैक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ अ फ्लेयर विच क्रैकल्ड एंड स्मोक्ड अप अबव द ग्राउंड नट हीप नियर बाय. अब जो भविष्यवाणी करने वाला था, जो ज्योतिषी था, नजूमी था, वो अपने बिजनेस को इसी तरीके से चमकाता, और उसकी जो बाय द लाइट ऑफ अ फ्लेयर विच क्रैक्ड एंड स्मोक्ड अप अबव द ग्राउंड नट हीप नियर बाय. जो ग्राउंड नट वाले जो ढेर लगाया करता, जो मूँगफली वाला, और उसके ऊपर से जो धुआं उठता उसमें और भी ज़्यादा उसे मिस्टिक बना देता, और वहाँ पर वो ज्योतिषी उनके साथ शामिल होता. हाफ द एन्चेंटमेंट ऑफ द प्लेस वॉज ड्यू टू द फैक्ट डैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनिसिपल लाइटिंग. अब इसका जो आधा फैक्ट है वो ये है कि उसको फ़ायदा इस बात का था कि वहाँ पर कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपल काउंसिल की तरफ से लाइटिंग नहीं लगाई गई थी. उसमें वो और ज़्यादा मिस्टिक यानी पोशीदा नज़र आता, ऐसा लगता कि वो कोई बहुत ही बड़ी हस्ती है. द प्लेस वॉज लिट अप बाय शॉप लाइट्स. और आजू बाजू के जो हिस्सा है, इलाका है, वहाँ पर अक्सर लोग अपने दुकानों की रोशनियाँ चला दे जिसकी वजह से वहाँ पर रोशनी हो जाती. वन और टू हैड हिसिंग गैस लाइट्स, सम हैड नेकेड फ्लेयर्स स्टक ऑन पोल्स, सम वेयर लिट अप बाय द ओल्ड साइकिल लैम्प्स, एंड वन और टू लाइक द एस्ट्रोलॉजर मैनेज विदाउट लाइट्स ऑफ द टाउन. अब हर किस्म के लोग वहाँ पर अलग अलग किस्म की रोशनियाँ करते. कोई गैस बत्ती लगाता, कोई टिमटिमे लगाते, या फिर कोई वहाँ पर मोमबत्ती या चिराग लगा देते, कोई साइकिल लैंप लगाते, लेकिन बहुत सारे लोग बगैर रोशनी के काम चलाते, जैसे कि ये ज्योतिषी था. इट वॉज़ अ बिल्डरिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेज एंड मूविंग शेडोज. अब यहाँ पर क्या होता है कि रोशनी जो है आड़ी तिरछी इसके पास से निकल जाती, और लोग शायद समझते कि ये कोई मिस्टिक आदमी है. This suited the astrologer very well for the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life, and he knew no more of what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself next minute. अब वो कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी तो नहीं था, लेकिन इसके पीछे की वजह ये थी इस जगह बैठने की कि उसका जिंदगी की जब शुरुआत किया था तो वो ज्योतिष विद्या के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन वो न सामने वाले लोगों के बारे में जानता, बल्कि वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता. He was a much a stranger to the stars as were his innocent customers. और वो अजनबी था उन सितारों के बारे में जो जिसके बारे में पता लगाकर वो अपने इनोसेंट कस्टमर को बोलता, उनके ही इतना.
Yet he said things which pleased and astonished everyone. That was a more matter of study, practice and sheer guesswork. लेकिन अक्सर वो हैरान कर देता अपने कस्टमर्स को और उन्हें इत्मीनान भी दिलाता, मुतमैन कर देता, स्टडी और प्रैक्टिस से ये सब चीज़ें उसने सीखी थी और बाज़ अवकात वो गेस भी करता. ऑल द सेम इट वॉज एज मच एन ऑनेस्ट मैंस लेबर एज एनी अदर. अब ये सब चीज़ें एक जैसी थी जैसे कि कोई ईमानदार आदमी अपना काम करता है, सुबह से शाम तक की मेहनत करता है ईमानदारी से और अपनी रोज़ी कमाता है. All the same, it was as much an honest man's labor as any other, and he deserved the wages he carried home at the end of the day. और वो इस बारे में बिल्कुल उसे हक पर था कि वो अपनी जो भी दिन भर की दिनचर्या से कमाई गई रोज़ी है उसे वो हासिल करे. वसी फेरासनेस बींग लाउड एंड नाउज, यानी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने वाला. डेलाइट वेस्टेड टाइम जस्ट हैंगिंग अराउंड, यानी वक्त बर्बाद करने वाला, इधर उधर भटकने वाला. एन्चैंटमेंट यानी मैजिकल इफेक्ट्स और चार्म, यानी जिसमें कुछ जादुई चीज़ें पेश की जाए. बिविल्डरिंग कन्फ्यूजिंग बैफलिंग, यानी जिसमें कन्फ्यूज करने वाली चीज़ें होगी. श्री गुड एट जजिंग पीपल क्लेवर, जो होशियार आदमी होता है जो लोगों को बहुत आसानी से जज कर लेता है उसे श्रीव्ड कहते हैं, SHREWD. तो यहाँ पर हमारा पहला हिस्सा एन एस्ट्रोलॉजर्स डे ये मुकम्मल होता है. अगले हिस्से के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा हाजिर होंगे. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें याद रखिए कि हम कोशिश करें आपके लिए इसी तरीके के वीडियो बनाते रहें. थैंक यू.